अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन में गया जिला कांग्रेस का आज दूसरा दिन है। आजादी गौरव यात्रा गया शहर विधानसभा क्षेत्र के गांधी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्थि कलश स्तंभ से शुरू हुआ, जो गया शहर में सभी महापुरुषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के स्वराज्यपुरी केंदुई गांव स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थल पर समाप्त हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह क्षेत्रीय प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी विजय कुमार मिठू ने कहा कि आजादी गौरव यात्रा जो अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त शुरू हुआ, जो उस दिन गया शहीद स्मारक कोतवाली धामनी टोला से शहीदों को सलाम कर वजीरगंज एवं अतरी में 15 किलोमीटर का पदयात्रा कार्यक्रम हुआ। गया के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, विजय कुमार मिठू, युगल किशोर सिंह, विद्या शर्मा, ओंकार नाथ सिंह, राजेश अग्रवाल, सुरेंद्र मांझी, विनोद उपाध्याय आदि सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज एवं पार्टी ध्वज लेकर अगस्त क्रांति के वीर सपूत अमर रहे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ जिंदाबाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारों को बुलंद करते हुए आज भी 12 किलोमीटर का पदयात्रा किया गया। नेताओं ने कहा कि यह पदयात्रा 14 अगस्त तक संपूर्ण गया जिला में 75 किलोमीटर दूर तय कर आजादी गौरव यात्रा के संदेश को जन जन में पहुंचाने का काम करेंगे। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने दिशा निर्देश दिया या ICC की तरफ से आया कि हर जिला में हम लोग 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के माध्यम से लोग को जागरूक करेंगे कि मोदी सरकार की जो विफलताएं और कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियाँ 70 साल में रही है, जिनको बेचने का मोदी कर रहे हैं, तो गांव गांव जाकर बताना है। उसी क्रम में जो जिला का था 75 किलोमीटर, तो हमने हमारे कमेटी कांग्रेस कमेटी विधानसभा में ही सिर्फ हम चलेंगे। जिला कांग्रेस अलग हमारे साथ चल रही है, हर जगह जैसे आज भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रिका जी साथ साथ मनोभव बढ़ाने के आए हुए हैं, प्रोफेसर विजय कुमार जी प्रोफेसर मदद के हमारे साथ चल रहे हैं, निराला जी साथ चल रहे हैं, तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ चल रहे हैं। कल भी हम लोग इसी क्रम में कल राजगीर प्रखंड में तरमा से लेकर जमामा तक पैदल चलेंगे। अभी तक हम लोग लगभग 15-15-30 किलोमीटर कल चल चुके हैं, आज 15 का टारगेट पूरा करेंगे। 5 दिन में 75 किलोमीटर अपना जो पैदल चल रहे हैं, तमाम गाँव ग्रामीणों को जो बेचारे अनभुक्त हैं, जो बेचारे सीधे साधे हैं, उनको ठगने। जिले में आज तीसरा दिन है, मानपुर प्रखंड में हम लोग करीब अभी 10 किलोमीटर आदिपुर तक पहुँचे हैं और आगे के कड़ी में टेकारी में कल होगा। 13 तारीख को हम गुरुआ में करेंगे और 14 तारीख को सरखाटी और इमामगंज डुमरिया मैगरा में सभा करेंगे। वहाँ हमारे सम्मानित नेता निखिल बाबू, अध्यक्ष बाबू और हमारे सम्मानित नेता वहाँ शिरकत करेंगे। अंतिम हम लोग पूरा जो मार्गदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का था 75 किलोमीटर, लेकिन गया जिला कांग्रेस कमेटी 150 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा करेगा। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी आज़ादी गौरव यात्रा, जो कि पूरे देश के लोकसभा और विधानसभा में आज़ादी के 75 वर्ष गांठ पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा, और बिहार में सबसे खुशी की बात यह है कि 9 अगस्त जिस दिन से यहां पर हम लोग पदयात्रा शुरू किए, उसी दिन सौभाग्य से 7 दलों का समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया गया और महागठबंधन की सरकार बन गई है। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय नेता शशि शेखर जी के नेतृत्व में जो ये पदयात्रा निकला है, लग रहा है कि जन समुद्र उमड़ पड़ा है, लोगों में कितनी खुशी है, लोगों को लग रहा है कि हमें भाजपा से मुक्ति मिली है। लोग नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद,
सोनिया गांधी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सब लोग एकजुट होकर के एक नया माहौल और नई खुशी का माहौल है। सारे नौजवान कूद रहे हैं कि हम लोगों को अब निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, महंगाई घटेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय।